एलसीएम ऑफ 3 और 4 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखो 3 आपका एक प्राइम नंबर है, इसके आपके आगे फैक्टर नहीं होंगे, 3 रहेगा। 4 के हम फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों क्या, 2 × 2। एलसीएम में आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा प्रोसेस करना है। पहले देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, यानी ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो इस कंडीशन में एलसीएम आपका दिए गए नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही बनता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 1 2 निकल कर आया है। अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी सर्च करें। थैंक यू।